तो इस वक्त हमारे सामने एक स्टॉक है जिसका नाम है मेज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स, और करंट इसका जो पी है वो है 8, 8 का पी है। और करंट मार्केट पी आपको भी पता है निफ्टी का 30 से लेके 35 के बीच का पी है। और अभी इस वक्त हम एक ऐसा स्टॉक देख रहे हैं जिसका पी जो है वो निफ्टी के पी से कहीं ज़्यादा कम है। बुक वैल्यू की जहाँ तक बात करता हूँ तो बुक वैल्यू 1.5 के आसपास है, 170 बुक वैल्यू है, 170 बुक वैल्यू है और करंट प्राइस 250। तो आई थिंक पी बी इज अराउंड 1.5 के आसपास का पी बी होगा इसका, तो ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं है और अच्छा है दोनों के दोनों। अब बात आती है कि हम इसे क्यों बाय करना चाहते हैं। सबसे पहले इसका बिजनेस समझ लेते हैं। मेज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स इज एंगेज इन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ शिप्स, सबमरीन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ वेसल्स एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। द कंपनी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये एक मरीन इंजीनियरिंग की कंपनी है, शिप बिल्डिंग का काम करती है। और अभी हम इसके जो है फाइनेंशियल्स की तरफ जाते हैं। क्या है इसमें ऐसा जो कि अभी मुझे मोटिवेट कर रहा है बाय करने के लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, नेट प्रॉफिट कम हुआ है, जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। सो कुल मिला के शेयर होल्डर से ज़्यादा आया है पैसा। और जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है वो यह है कि ये ज़ीरो डेट कंपनी है। मेज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स इज ज़ीरो डेट कंपनी। रिसेंट अगर हम माहौल देखें तो डेट वाली कंपनियों में अक्सर जो रिस्क होता है, लॉस मेकिंग कंपनी आपका ज़्यादा पैसा नहीं लेती, जितना डेट जो डेट नहीं भर पाती वो ले लेती है आपका पैसा। तो ये जो है ना, ये सबसे अच्छी बात है कि एक ज़ीरो डेट कंपनी है। लेकिन अब समझने वाली बात है कि वॉट ट्रिगर्ड मी टू एंटर इन दिस कंपनीज। क्या मुझे ऐसा क्या ट्रिगर किया कि भाई मैं अचानक से इसके बारे में सोच रहा हूँ? मैं इसलिए ट्रिगर हो रहा हूँ क्योंकि अचानक से, अब देखिए इसका चार्ट तो बीच में, अगर मैं बताऊँ, इसने जून 1 से लेके जून 7 में, यानी 1 वीक के समय में इसने जो है 40% का रिटर्न दे दिया था अराउंड। और अचानक से ये कंपनी लगभग 1 महीने से एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है ये कंपनी। और लगभग ये शेयर होल्डर्स का जो है 15% पैसा खा चुकी है, ईट लॉस के फॉर्म में हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं इसे। 7 दिन में 80% रिटर्न कौन दे रहा है? 7 दिन में 40% रिटर्न कौन दे रहा है? लगभग 40% की ग्रोथ दिखाई है इसने 7 दिन में, और अभी ये जो है गिर रहा है। सो क्या है इसमें जो इसको धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और जल्दी जल्दी बाइंग हुई थी? तो आई थिंक अभी एक स्टेटमेंट आया मैनेजमेंट का रिसेंटली, अगर मैं पढ़ूँ स्टेटमेंट को तो आपके सामने एक बात लाना चाहूँगा मैं इस वक्त कि भाई मैं जरा इसका जो है ये जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, एक स्टेटमेंट है अभी आया है कि सम बिड्स विच वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड टू द इंडियन नेवी एंड द कोस्ट गार्ड, इट इज़ वैल्यूड एट अबाउट 2,800 करोड़ एंड इज एसेंशियली कंप्राइज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 नंबर्स ऑफ कैडेट ट्रेडिंग शिप्स, 8 नंबर्स फास्ट पेट्रोल वेसल्स एंड कोई, मतलब इन्होंने कोई एक अपना कोटेशन सबमिट किया है इंडियन नेवी को और कोस्ट गार्ड को। बिसाइड्स डेट इन अ मीडियम हॉरिजन वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग एंड गोइंग टू सबमिट आवर बिड्स फॉर 7 in number नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स विच इट सेल्फ विल अबाउट 6,000 करोड़, 7 in number नेक्स्ट जनरेशन करोड़ सम हाई। ये सब पूरा एक टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये एक पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन वर्ड, अगर आप इस पूरे के इसमें देखें तो अगर मैं एक्सपेक्टेशन वर्ड को अगर मैं बोल्ड कर दूँ तो आपके जो है कान वो हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, भाई ये क्या है? एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि अभी तक ये सब चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई, ये सब चीज़ें एक प्रोसेस में है जो भी लिख रहा है इसमें, ये इसकी जो डेवलपमेंट है एक प्रोसेस में और अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ। याद रखिएगा एक बात कि मार्केट जो है हमेशा एक्सपेक्टेशन पे ही चलता है। मार्केट जो हो चुका है तब तक, जो जब हो चुका होगा लेने जाएंगे तब तक वो ऑलरेडी महंगा हो चुका होगा शेयर। सो मार्केट चलता है किस पे? एक्सपेक्टेशन पे। तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट हो रही हैं, करना हो रही है, समझ रहे हैं बात को? अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो इतने 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 का जो है रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, इतने 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 का सेल्स बढ़ सकता है और कंपनी को एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये सब चांसेस हैं, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस कि भाई ये सब डेवलपमेंट हो सकते हैं अगर ये सब चीजें हो गई तो। और अगर हम प्राइस एक्शन इस वक्त देखें, अगर इस कंपनी का अगर मैं देखूँ आपके सामने कि भाई
अगर मैं आपके सामने ये देखता हूँ तो और स्क्रीन को लाता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस की जो हमारी स्क्रीन है, अगर मैं इस वक्त उस पर जाऊँ तो आपके सामने एक बहुत ही अच्छा शानदार चार्ट दिखता है, जहाँ अराउंड 4 दिन में आपको 40% रिटर्न मिल जाता है और अभी पिछले एक महीने से डाउन ट्रेंड में है। अब मैं इसे कब लेने की बोल रहा हूँ, व्हाट कैन बी द, क्यों मैं अभी आपको बोल रहा हूँ लेने के लिए, क्योंकि देखिए इसका एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट बन रहा है। 246 का एक सपोर्ट है इस वक्त, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ आप वेट कर सकते हैं फ्राइडे तक, इसका फ्राइडे तक अगर ले सकते हैं तो आप ले लीजिए इसे। पहली बात तो इसका 245 पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। और मैं एक और आपको पॉइंट, अगर आप जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते इस कंपनी में, वो इस कंपनी को जो है अराउंड 245 पे आधा 50% क्वांटिटी ले सकते हैं, और मेरे ख्याल से इनको एक और बार घुसना चाहिए अराउंड 235 पे। और मेरे ट्रेडर भाई जो हैं, ट्रेडर माइंडसेट वाले जो भाई हैं, इस वक्त स्टॉप लॉस की मांग कर रहे होंगे, और स्टॉप लॉस जो हो सकता है, जो मुझे लगता है स्टॉप लॉस जो हो सकता है इसका, वो हो सकता है 208 का स्टॉप लॉस, यानी 40 रुपये का रिस्क है। और इस वक्त अगर हम रिवॉर्ड का देखें, 208 का स्टॉप लॉस हो सकता है, और जो रिवॉर्ड हो सकता है मुझे लगता है इस पर, आई थिंक आपको जो रिवॉर्ड रखना चाहिए वो 295 हो, आप हाई पर ही एम कीजिए, करना चाहिए आपको। और जो लोग मेरे रिस्क टेकिंग भाई नहीं है उनको जो है पहले ही बोल रहा हूँ मैं कि पहले तो वो 208 पे, उनको 244 245 पे एक एंट्री करनी चाहिए, फिर 235 पे एक एंट्री करनी चाहिए, और ताकि जो एवरेज कॉस्ट है वो अराउंड मेरे ख्याल से 240 242 आ जाइए। अपना स्टॉप लॉस जो रहिए, स्टॉप लॉस जो रखिएगा अपना, वो होगा 208 का, और टारगेट जो होगा 295 का। जो मेरे रिस्क टेकिंग भाई हैं जिनको अभी के अभी लेना है और स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते, वो अभी के अभी ले सकते हैं इसे, और या तो फ्राइडे तक 2 दिन राह देंगे, वीकेंड में आप लीजिए, क्योंकि जनरली मैंने देखा है फ्राइडे को एक करेक्शन आता है मार्केट में, जनरली एक ट्रेंड है। अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल मार्केट के साथ आप चलें तो आप फ्राइडे को ले लीजिए इसे करेक्शन का वेट करके, और फ्राइडे तक इसको दबोच लीजिएगा और 245 पर इसे ले लीजिएगा। और मुझे लगता है कि जो लोग रिस्क टेकर हैं उनको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, उनको एवरेजिंग करनी चाहिए, तो 245 पर पहला माल लो, पहले लो, फिर 235 पे उठाओ थोड़ा, फिर जो है अराउंड 220 पे उठाओ थोड़ा, ये करना चाहिए। इसका टारगेट जो मुझे लगता है 300 का आप पकड़ लीजिए, इसका टारगेट जो मैं समझता हूँ 300, जो मेरा एक विवेक कह रहा है, उसका टाइम पीरियड आप ले लीजिए, एक क्वार्टर का टाइम पीरियड आप इसमें समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसके लगी है कि रिजर्व बढ़ रहे हैं और जीरो डेट कंपनी है, मैंने न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी यही कह रहा है, जीरो डेट कंपनी है, हमारे फायदे की चीज़ें हैं इसमें। और अगर मैं इसके जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स देखूँ तो कैश इक्विवेलेंट्स अराउंड 2300 करोड़ से बढ़ चुके हैं, तो यानी इसके पास कैश है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है इसके पास, यानी इसको अगर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं और इसको जो है इसको रॉ मटेरियल्स की कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो उसके पास कैश है टू कैपिटलाइज। क्योंकि ये जो भी मैंने अभी आपको जो स्टेटमेंट रीड करवाया था कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कंपनी के पास, इन कंपनीज को जो अपॉर्चुनिटिस्टिक ग्रैब करना है अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ को, तो आपके पास कैश भी चाहिए आपके पास, आप समझ रहे हो। ताकि आप जो भी डिमांड क्रिएट होती है आप उसको उस डिमांड पर रिएक्ट कर पाए, प्रोडक्शन कर पाए, इसके लिए इसके पास सफिशेंट कैश भी राइज हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो मार्केट किस पर चलता है कि प्रोबेबिलिटी पर चलता है, मार्केट एक्सपेक्टेशन पर, लेकिन एनालिस्ट वो है जो पता लगा पाए कि एक्सपेक्टेशन रियलिटी में बदलेगी या नहीं, और जिस दिन ये रियलिटी में बदल जाती है उस दिन एनालिस्ट बेचता है शेयर को, और जिस दिन उसको ऐसा लगता है कि ये रियलिटी में बन सकती है उस दिन वो खरीदता है। तो इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपको रीड करवाए, जो है चांसेस जो मैनेजमेंट के स्टेटमेंट हैं वो ट्रू हो सकते हैं, तो अभी आई थिंक इस शेयर को बाय करना चाहिए। मैं आपको अवेलेबल्स बता दिए, 300 का टारगेट होना चाहिए और 208 का जो है सरप्लस होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड लगभग सेम है, लेकिन मुझे लगता है ये 300 से ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए एट करंट लेवल्स, 400 का आप टारगेट रखना चाहिए इसको, 208 का स्टॉप लॉस।